समय ये है कि बहन जी अकेले चुनाव लड़के 3-13% वोट अपने पास रख ले और बीजेपी जीत जाए और बदले में उनकी संपत्ति 5 साल के लिए सुरक्षित हो जाए। ये पूरी की पूरी प्लानिंग है, आपको बता रहा हूँ, मैं अपना व्यक्तिगत एनालिसिस बता रहा हूँ। बहन जी को जो भी सफलता मिली है, बीएसपी को जो भी सफलता मिली, उसमें कांशीराम के आंदोलनों का रिजल्ट है। अच्छा, कांशीराम ने जो आंदोलन की एक जमीन तैयार की थी, उसी पर ये फसल उगी है, जहां बहन जी को जो है आपको फुल मेजोरिटी के साथ जो है सत्ता में आने का मौका मिला। ये बात मैंने लिखा, उसके बाद से जो है बसपा से धीरे धीरे मेरी दूरी हो जाती है। चौधरी अजीत सिंह के जो लड़के हैं, जैन चौधरी साहब, इतना बड़ा आंदोलन चला महिला पहलवानों का, वो उन्हीं की बिरादरी की है। तमाम शोषण हुआ, यौन शोषण की बातें हुई और उसी बीजेपी में जाकर के वो मिल गए। क्यों? मतलब जो बहन बेटियों की इज्जत के साथ सौदा करके उनके साथ, दादाजी को भारत रत्न मिल गया भाई, और क्या चाहिए। ज्यादातर 80% लोग हैं वो सब बीजेपी के साथ चले गए। आपके? हाँ, धोबी समाज के लोग भी? बिल्कुल बिल्कुल, लखनऊ में चले गए हैं। सो जो जिनके रीढ़ की हड्डी टेढ़ी हो गई वो सब चले गए हैं। आपका जितना कमाया हुआ है 70 सालों में, वो बर्बाद होने वाला है 10 सालों में, मैक्सिमम 20 सालों में। हो चुका है? हाँ, बहुत कुछ हो चुका है। हम लोग इसको महसूस कर रहे हैं क्योंकि ऐसे इंस्टीट्यूशन में पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं, तो उसका असर देख रहे हैं। दलित एजेंडे पे कोई बात करना ही नहीं चाह रहा है इस समय। दलित भी नहीं, कोई नहीं, हकीकत यही है। दलित बेसिकली इस समय आप देखें तो बड़ी ही दुविधा की स्थिति में है, खासतौर से उत्तर प्रदेश में। अच्छा, कि वो किधर जाए। मुस्कुराइए कि आप लखनऊ में हैं, लखनऊ यूनिवर्सिटी कैंपस में हूँ, अक्सर मैं यहाँ आता हूँ और वर्मा साहब की हवेली मैंने आपको दिखाई है। ज़रा एक बार हवेली का नज़ारा दिखा दीजिए और अंबेडकर नामा किचन की एक शानदार ब्रांच यहाँ भी है और क्या क्या बन रहा है वो आपको दिखाने वाला हूँ। तो आइए भाई साहब, क्या है, पहले ये इंट्रोडक्शन करा रहा हूँ अभी सबसे, और जब फाइनल बनेगा तो वर्मा साहब से कुछ साथियों से चर्चा होगी। एच एल दुसाद साहब भी आ रहे हैं, आइए इधर देखिए क्या है। आइए साहब, आइए, आप अम्बेडकर नामा देखते हैं? हाँ हाँ बिल्कुल। अच्छा, तो क्या बनता है उसमें? ये साहब टेंगन मछली है और एक पीस जो है पड़न है। अच्छा, टेंगन लखनऊ की बहुत अच्छी मछली है। अच्छा, मानी जाती है, प्योर, यही नदी की है, प्योर। अच्छा, फ्रेश है? फ्रेश एकदम, ताजी, शिकारी 3 पीस लेके आया था वही हमने ले ली है। अच्छा, और ये जंगली मुर्गा है। हाँ, जो अम्बेडकर नामा किचन, हाँ, छत्तीसगढ़ ब्रांड है ये। ये झांसी से आया होगा, के आगे जो मतलब पहाड़ी एरिया वहीं से आता है। अच्छा, ये देसी है? ये देसी है। टाइम लगेगा बनाने में? टाइम इसमें लगेगा। और जैसा कि आप देखते हैं अम्बेडकर नामा किचन में लकड़ी पे जब बनता है जी। तो आज इसका लखनऊ ब्रांच में आपका स्वागत है। और इधर देखिए, ये तेल डल गया है, तेल थोड़ा ज्यादा लग रहा है। नहीं था, इसमें यूज हो जाएगा, 3.5 किलो से 4 किलो के बीच में है ना वो। अच्छा, तो लकड़ी जुल गया है और इसपे है, बाद में इस पे चर्चा करेंगे। क्या वर्मा साहब, तैयारी जोरों से चल रही है? हाँ बिल्कुल एकदम। कितने लोगों की दावत है? लगभग 15-20 लोग हो जाएगा। अच्छा, चलिए हम यहाँ से दावत के बाद मैं सीधे एयरपोर्ट निकलूँगा, कल सुबह ड्यूटी ज्वाइन करनी है, क्लास लेनी है। आपका नाम क्या है? दिनेश। दिनेश मेन कुक हैं जी। क्या बात है, तो क्या क्या बना रहे हैं आज बताइए। चिकन है। अच्छा, चिकन बनाएंगे। ये मछली है? मछली फ्राई है। मछली फ्राई है। और ये सलाद की तैयारी है जी। अच्छा, ये एक सेकंड, इसमें क्या है? इसमें पेस्ट है, तरीदार थोड़ा, ये मछली भी बनाएंगे। अच्छा, तरी वाला भी बनाएंगे। तो किस चीज़ का पेस्ट है ये? लहसुन अदरक हरी मिर्च। लहसुन अदरक हरी मिर्च जी। ये धनिया है? धनिया है, काट के डालेंगे बाद में बनने के बाद। अच्छा, ये मिर्च, ये फ्राई होगा, ये क्या है बताइए, क्या क्या मिला है इसमें? इसमें नमक मिला, लहसुन मिला है, हाँ, अदरक हरी मिर्चा है, और खटाई मिली हुई है, और धनिया पिसी हुई मिली हुई है। अच्छा, सब पीस के मिला है जी, नींबू पड़ा हुआ। तो ये मछली फ्राई होगा ना? जी जी है? फ्राई होगा। जरा जोर से बोलिए। हाँ, फ्राई होगा। चलिए वर्मा साहब, और अपने अम्बेडकर नामा किचन पार्ट 2 लखनऊ से जो है राजेंद्र वर्मा साहब चीफ शेफ है, शेफ है यहाँ पे, मेन कुक है। चलिए, क्या क्या वहाँ बन रहा है जरा वो दिखाइए पहले। आइए आइए। हाँ, सब आप ही के नक्शे कदम पे ये बन रहा है। नहीं, दिल्ली में हम लोग जब आप दिल्ली में थे तो हम लोग बनाते थे दोनों मिल के। बिल्कुल एकदम, 10-10 किलो हम लोग मटन बनाए दोनों। हाँ, ये वर्मा साहब का देख लीजिए, इधर किचन गार्डन है, सब्जी, कितनी वेराइटी और सब्जियाँ हैं। आपका क्या नाम है? बालादीन। हैं? बालादीन। बालादीन? हाँ। आप भी खाना बनाते हैं? हाँ। क्या बना रहे हैं आज? इधर क्या सीख रहा है? यहाँ रोटी के लिए।
अच्छा रोटी बने मच्छी। अच्छा ये चूल्हा देखिए, जैसे ईंट का चूल्हा हम बनाते, तिरछा चूल्हा लगाते तो ज्यादा आ जाता, तिरछा बनाइए उधर से हवा नहीं आएगा। अच्छा मैं ईंट पे बनाता हूँ, तिरछा करिए उसको। हम खाना बनाने में भी प्रोफेसरी किए हैं ना। मैं चूल्हा अभी आपको सेट करता हूँ, ठहरिए चलिए। नहीं पहले साहब क्या नाम है आपका? राजकुमार। अच्छा राजकुमार साहब, तो आप तो फिल्म के विलन लग रहे हैं पूरा बॉलीवुड के। तो क्या बना आप, अम्बेडकर नामा आप देखते हैं ना? बिल्कुल सर, आपको फॉलो करते हैं और आपकी जो रेसिपी होती है उसी को हम कॉपी करते हैं। अच्छा जो उसमें आप रेसिपी डालते हैं, एक बार आप बिटिया के आदिया के बर्थडे पे नाव पे जा रहे थे तो आपने जो है वही उनसे माझी से मच्छी लिया और उसके तसला में बनाया भुना हुआ मछली। तो उस दिन से मैं आपका बहुत फैन हो गया, क्योंकि हमारा भी यही शौक है कि कहीं गांव में नदी के किनारे या समंदर के किनारे, पहाड़ पे, जंगल में, घास फूस से सब कुछ वैसे ही। अच्छा वही चल रहा है यहाँ, वही चल रहा था। देखिए कुछ थोड़ा बहुत आपसे सीखे हैं। अरे क्या, तो कोशिश करते हैं बनाने की। अच्छा देखिए ये जंगली चिकन है, हाँ ये खुशबू आ रही है सही। इसमें अभी गरम मसाला नहीं डालेंगे, अभी नहीं बाद में डालेंगे, वो पीस के डालिएगा। नहीं पिसा हुआ है, वो पिसा हुआ है ना। हाँ, पिसा हुआ गरम मसाला पीस के। हाँ वो पिसा हुआ है, इसको पकाने में टाइम लगेगा। नहीं पक जाएगा नहीं, उसको इसमें मैरिनेट क्या किए अभी इसको जो है थोड़ी धीमी। क्या क्या मैरिनेट क्या क्या किए इसमें? इसमें वही अदरक मिर्चा लहसुन वो सब मैरिनेट करके डाला गया है। अच्छा और सूखे मसाले जो पड़ते हैं अपने, हल्दी मसाले वो सब पड़े हुए हैं, प्याज है, प्याज प्याज में भुना जा रहा है। हाँ प्याज में भुना जा रहा है पूरा। अभी इसमें पकने के बाद थोड़ा देसी घी इंटर करेंगे, तब इसकी जो चमक चमक और बढ़ जाएगी। देसी घी मत डालिए, थोड़ा सा डाला जाएगा तो उससे चमक खिल जाएगी इसकी। अच्छा हाँ चलिए, तो ये आज पूरा टीम वर्क चल रहा है, ये लखनऊ की दावत है। तो वर्मा साहब जी, तो आज खाने पर क्या चर्चा होगी? मटन, चिकन, फिश और दलितों की कुछ समस्याएं। हाँ बिल्कुल, समस्याएं जरूरी हैं, क्योंकि आप जैसा कहते हैं कि दलित तो पिछड़ों पे ही राम राज्य और हिंदू राष्ट्र आ रहा है, आ गया, आ रहा नहीं रहा है, आ गया है, और आरक्षण खत्म हो रहा है, तो उसी पे चर्चा गहन मुद्दा है राजनीति और उसकी, उसी पे किया जाएगा। अभी आ रहे हैं दुसाद साहब भी आ रहे हैं, तो इसे दुसाद साहब आ रहे हैं और महेंद्र यादव भी आ गए हैं और आर्मी बहुत साफ भी हैं, और अब आर्मी बहुत साफ भी हैं तो चर्चा होगी। बबलू जी जो मेन इसके, आज उन्होंने कहा हम सर सब व्यवस्था करते हैं। हाँ आप बबलू जी हैं? हाँ बबलू जी, चलिए उनसे भी मिलेंगे, लिखते हैं वो अपना। अच्छा और बड़े मतलब गरीबी से उठ के अच्छे व्यवसायी बने और बड़ा अच्छा मतलब उन्होंने किया, प्रेरणा के स्रोत हैं बहुत से युवाओं के लिए, खासतौर से जो बहुजन युवा है दलित वर्ग से आते हैं। हाँ, कि कैसे गरीबी में गांव से आके और लखनऊ जैसे शहर में आलीशान गाड़ी, आलीशान बंगले सब। चलिए तो ये प्रोसेस अभी जारी है और ये सलाद की तैयारी शुरू हो गई है, तो जब फाइनल जब खाना तैयार हो जाएगा रेडी, देन हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है साहब, ओके। अर्जुन साहब भी हैं, क्या बात है, एकदम रजनीगंधा तुलसी हैं। अच्छा लाइट आ गई है। हाँ चलिए, शानदार कैंपस नज़ारा देखिए। दिन में मैंने कई वीडियोस दिखाए हैं लेकिन रात का नज़ारा देखिए, इस नवाब साहब की हवेली का है, देखिए तो ये देखिए, रात में शानदार नज़ारा है। अभी खाना तैयार हो जाए तब हम लोग चर्चा शुरू करते हैं। बिल्कुल एकदम, क्योंकि मुझे 9 बजे जाना भी है। ओके चलिए, मुस्कुराइए कि आप लखनऊ में हैं, सीरीज जारी है। आज अम्बेडकर नवा किचन लखनऊ से और वर्मा साहब के किचन से। इंट्रोडक्शन मैंने दिखा दी थी, जो तैयारी चल रही थी वहाँ पर चिकन और फिश बनने की और तवे पे चूल्हे पे लकड़ी पे रोटी बनने की। खाना तैयार है और खाना, पहले मैं खाना दिखाता हूँ उसके बाद उस पर चर्चा जारी करेंगे। कई खास दोस्त बैठे हैं लखनऊ के और जब भी हम लखनऊ आते थे इस तरह के वीडियोस हम ज़रूर बनाते हैं। कई खास दोस्त बैठे हैं, उनसे भी रूबरू करूँगा और थोड़ा सा चिकन देसी और फिश और देश की दलित समस्याओं पर थोड़ी सी चर्चा होगी। राहुल गांधी आने वाले हैं अभी लखनऊ में और जयंत चौधरी जा चुके हैं एनडीए पाले में। बहन जी कह रही हैं कि किसी खेमा में मुझे नहीं रहना है,
तो लखनऊ और दिल्ली, ये उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश ऐसा प्रदेश है कि इसी के रास्ते दिल्ली लोग पहुंचते हैं। तो क्या है चुनौतियां, क्या होगी राजनीति, थोड़ा सा हंसी वाले अंदाज में भी, हर समय सीरियस रहने की ज़रूरत नहीं। पहले हमारे सहयोगी जो कैमरा संभाले हुए हैं उनसे मैं आग्रह करूंगा कि बोले इस क्या क्या मेन्यू है वो दिखा दे पूरे देसी अंदाज में। ये बना है, ये देसी चिकन है, थोड़ा मैंने टेस्ट किया है पहले, बहुत शानदार बना हुआ है। और ये है फिश करी, और फिश जो फ्राई था दोस्त हमारे लोग निपटा चुके हैं। ये कौन सा फिश है टेंगन, साहब टेंगन, टेंगन। तो चलिए फिश है और बहुत ज़्यादा नहीं है, देखिए चूल्हे पे कैसे रोटी बनाया गया ये है, और बस देसी अंदाज में ये सलाद है। हम लोग खाना खाएंगे, खाना खाने के साथ में एयरपोर्ट की ओर गायब हो जाऊँगा। सबसे पहले हमारे जो दोस्त हैं आपको मिलवाता हूँ फिर से, प्रोफेसर राजेंद्र वर्मा साहब हैं, लखनऊ यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं। राजकुमार कनौजिया साहब हैं जी सर, लखनऊ में ही रहते हैं, व्यवसायी हैं, सिविल कॉन्ट्रेक्टर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन जी। और बबलू साहब हैं, बबलू साहब एक सफल व्यवसायी, राजेश अहिरवार, राजेश अहिरवार हैं ओरिजिनल नाम, कॉन्ट्रेक्टर। लेकिन बबलू साहब कहने में थोड़ा मुझे ज़्यादा पंच लगता है, नहीं नहीं यही है यही निकनेम है बबलू राठी नाम मैंने। और आप मेरे से 2-3 साल उम्र में छोटे हैं तो थोड़ा बबलू भी कह सकते हैं, बिल्कुल कह सकते। महेंद्र मंडल है, आप अम्बेडकर नामा पे इनको देख चुके होंगे। और दिल्ली से आए हुए मेरे खास दो ये हमारे गेस्ट, खास गेस्ट हैं, वो हैं सुनैया साहब, महेश सुनैया, अर्जुन हैं, आरबी यादव एडवोकेट, और अंतिम में दो इधर जो बैठे हुए हैं आप अम्बेडकर नामा पे देख चुके हैं, एच एल दुसाद साहब हैं, डाइवर्सिटी मैन ऑफ इंडिया, बहुत इमोशनल आदमी हैं और बहुत इमोशनल आदमी हैं, हमारे दोस्त हैं पुराने, मेरे उम्र में बड़े हैं 20 साल, लेकिन तब भी इनसे मैं भिड़ता हूँ, इनसे झगड़ा करता हूँ, इनको हड़काता भी हूँ। और दिल्ली में जब आते हैं तो कभी कभी मेरे यहाँ भी रहते हैं और और बौद्ध साहब हैं, लगातार आप देख रहे हैं, आरबी सिंह बौद्ध इंजीनियर प्रोफेसर, और लगातार अम्बेडकर नामा पर आप इनको देख रहे हैं, इतने सारे खास मेहमान हैं। सबसे पहले मैं अपने मेहमानों से आग्रह करूंगा कि अपना अपना प्लेट उठाएं और अपना अपना उस चिकन और रोटी और फिश जो है निकालें, उसका थोड़ी सी चर्चा जरूर करूंगा क्योंकि टाइम कम है और भागना बहुत जल्दी है। अपना अपना प्लेट निकालें और चिकन निकालें। दुसाद साहब तो बहुत प्रेमी हैं नॉन वेज के, 72 पार कर चुके हैं ना, 72 मैं 52 हूँ, 20 साल आप मेरे से बड़े हैं, तब भी आप हम इतना आपको बोलते हैं, आप खराब तो नहीं लगते हैं। चलिए थोड़ा छोटा छोटा 2-3 मिनट की बातचीत करते हैं और खाना खाने के साथ साथ, और अपने अपने सेल्फ सर्विस निकालिए, कोई यहाँ सर्व नहीं करेगा, और उसके बाद सीधा खाना खाते हुए मैं यहाँ से निकलूँगा एयरपोर्ट की तरफ और दिल्ली मिलूँगा कल सुबह क्लास में। वर्मा साहब जी सर, भारत जोड़ो न्याय यात्रा चल रहा है जी जी, और इधर भारत रत्न दिया जा रहा है बहुत तरीके से, अडवाणी को भी, कर्पूरी ठाकुर को भी, है ना, चौधरी चरण सिंह को भी, पीवी नरसिंहा राव साहब को भी, तो और उत्तर प्रदेश में जो हाल है आप देख ही रहे हैं, तो क्या लग रहा है, क्या राहुल गांधी अभी आने वाले हैं 2-4 दिन के अंदर इधर लखनऊ में जी जी, इस पूरे प्रकरण में वेयर इज दलित, दलित पॉलिटिक्स किधर है? दलित पॉलिटिक्स को यदि हम देखें तो दो तरह से आप कह सकते हैं कि दलित पॉलिटिक्स में यूज कहाँ हो रहा है और दलित लीडरशिप कहाँ इमर्ज कर रही बोलते है, बोलते रहिए खाना भी सर। हाँ, तो दलित बेसिकली इस समय आप देखें तो बड़ी ही दुविधा की स्थिति में है, खासतौर से उत्तर प्रदेश में। अच्छा, कि वो किधर जाए, और ये जैसा कि आप भी बार बार कहते हैं, हम लोग का भी यही एक निष्कर्ष है कि राजनीति जो है वो परिस्थिति का गेम होता है, और जो परिस्थिति आपको संदर्भित करती है वर्तमान समय में, यदि आपने उस समय उचित निर्णय नहीं लिए तो आप राजनीति में बड़े पीछे चले जाते हैं। दलितों के साथ ये दुविधा है इस समय कि वो किसके साथ जाएं, लेकिन जैसा कि आप भी बार बार कहते हैं, हम लोग भी ये कहते हैं कि अपने राजनीतिक शत्रुओं को पहचानना चाहिए, सामाजिक शत्रुओं को पहचानना चाहिए, अपनी विचारधारा पे
कौन आपके एजेंडे को इम्प्लीमेंट करने के लिए अग्रसर है और कौन कर सकता है, दोनों चीज इंपॉर्टेंट है। तो चलिए बैठ जाइए। यदि आप उस एजेंडे के साथ जाते हैं तो वर्तमान में आपको दो ही पार्टियां या दो ही आप गठबंधन जो भारत के लेवल पर है, क्योंकि लोकसभा का चुनाव है, तो एक एनडीए है और दूसरा इंडिया अलायंस है। जितने भी दलित यादि मूवमेंट की आप हिस्ट्री पढ़ें या दलित मूवमेंट को जानें, तो आपको ये स्पष्ट हो जाएगा कि आपका मेन राजनीतिक शत्रु जो है वो बीजेपी, आरएसएस और बहुत कम था सबको ले गए तो एनडीए है वर्तमान परिस्थिति में। ओके, ठीक है। लेकिन दलितों को ये बहुत जरूरी है कि जो नागनाथ सांपनाथ करके एक ही तराजू में तौल दे रहे हैं किसी चीज को, इस चीज से अवेयर होना पड़ेगा उनको, और बिल्कुल होना पड़ेगा। आपका जितना कमाया हुआ है 70 सालों में वो बर्बाद होने वाला है 10 सालों में, मैक्सिमम 20 सालों में। हो चुका है, बहुत कुछ हो चुका है। हम लोग इसको महसूस कर रहे हैं क्योंकि ऐसे इंस्टीट्यूशन में पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं, तो उसका असर देख रहे हैं। गांव में हो सकता है कि अभी वो इम्पैक्ट नहीं पड़ा हो और उनको ये लग रहा हो कि नहीं, हमारे लिए राम मंदिर बन गया तो बड़ी बात हो गई। राम मंदिर बना के धीरे से अधिकार काज लिए, और सबसे बड़ा जो इस समय जो न्याय व्यवस्था जो सुप्रीम कोर्ट है उस पर मैं कंसंट्रेट करना चाहूंगा कि कैसा डिवीजन दलितों में क्रिएट करने की कोशिश कर रही है। सबसे बड़ी समस्या देश में यही दिख रही है इस समय, सबसे बड़ी कि आपको कैसे तोड़े, आपको यूनाइट होने का जो अंबेडकरवाद का एक मूवमेंट चला कि जिसके तहत दलित सब इकट्ठे हो रहे थे, उसको कैसे बाइफरकेट आपस में कैसे लड़ाया जाए। और मैं एक जिम्मेदारी के साथ कहता हूं कि राजनीतिक एजेंडा है जो न्यायालय के माध्यम से इसको सॉल्व करवा रहे हैं या उसमें फूट डलवाने की कोशिश कर रहे हैं, जो दलितों का वर्गीकरण की बात चल रही है वो जनेऊ लीला है। बिल्कुल एकदम जनेऊ लीला है, 100% जनेऊ लीला है, क्योंकि जनेऊधारी ही वहां पर बैठे हैं, रिप्रेजेंटेशन प्रतिनिधित्व तो वहां पर नहीं है दलितों का। तो वो उस इंटेंसिटी को, वो संवेदना को, वो दलित का दलित जज है, वो दलित जज भी मूवमेंट है, गवई साहब है, लेकिन वो उसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं कि नहीं निभाते हैं, उसमें क्या देखना है, करिए बात की बात है। लेकिन जो यदि ये डिस्कोर्स में लाए, राम मंदिर उनको पता था कि ये आंदोलन बन जाएगा यदि हम पॉलिटिकल ढंग से डिसीजन करेंगे, तो राजनीतिक तरीके से उसको सॉल्व करवाया। सरकार का एजेंडा है, आरएसएस भाजपा का एजेंडा है, जो उन्होंने उच्चतम न्यायालय से इसको सॉल्व करवाया और उसको एक राजनीतिक पार्टी को क्या कहते हैं उसको मदद करने के लिए, उसको आगे बढ़ाने के लिए एक एजेंडा प्रस्तुत किया। तो न्यायालय एक ऐसा भी आम जनमानस के दिमाग में होता है कि न्यायालय एक ऐसी चीज है जो सही में वहां पर न्याय मिलता है, उसकी रिस्पेक्ट करता है लोग, लेकिन न्यायालयों के कुछ निर्णय ऐसे हैं कि जिससे साफ साफ ही लिखने लगा है कि सही में न्यायालय भी बड़े महीन ढंग से काटते हैं, महीन ढंग से जातिवाद करते हैं। तो न्यायालयों पे भी प्रश्न उठना चाहिए लोकतंत्र में, और न्यायालयों में भी प्रतिनिधित्व का मसला आना चाहिए। वर्गीकरण आपके कॉलेजियम में कहां गया, वहां पे आपको वर्गीकरण नहीं दिखाई दे रहा है। ईडब्ल्यूएस आपने अवैध रूप से जो उसको संवैधानिक मान्यता दे दी, ईडब्ल्यूएस में वर्गीकरण लगाइए ना। एक ही सवर्णों की बात करें तो 3% से कम ब्राह्मण है, 99% से ज्यादा, 90% से ज्यादा रिप्रेजेंटेशन है, कहां गया वहां पर वर्गीकरण। आपके पीछे ब्राह्मण पड़ जाएंगे, पड़ जाने दीजिए, वो तो हमेशा से पड़े हो क्या, पहली बार पड़ जाएंगे क्या। चलिए जी, थोड़ा खाइए भी, गुस्सा में नहीं बात करनी। हाँ, गुस्सा का टॉपिक ही है सर। चलिए, कन्हैया साहब हैं और कॉन्ट्रैक्टर जी, और देख लीजिए यहाँ पे कई जातियों के लोग हैं शेड्यूल कास्ट के, और पिछड़े समुदाय के भी मिलवाऊंगा जी। आमतौर पे एक समझ बनाई गई, और किसी तरह से किसने बनाया मैं नहीं जानता, लेकिन शेड्यूल कास्ट का आरक्षण जाटव खा गए, चमार खा गए, और पिछड़ों का यादव खा गए, है ना, ये नैरेटिव बनाया जा रहा है जी। अभी जो वर्गीकरण चल रहा है उसको भी थोड़ा समझने की ज़रूरत है, और आप लखनऊ में रहते हैं जी, क्या चल रहा है देश में शेड्यूल कास्ट के अंदर राजनीति को लेकर, मतलब या वो पॉलिसी फॉर्मेशन पर कोई ध्यान है नहीं है कि सिर्फ सरकार बनाना है, MLMP बनाना है, इतने में सोचा हुआ सरकार तो बनेगी नहीं, तो मैं पहले कह रहा हूँ जी, है ना, सरकार जो है ना, भारत का सरकार शेड्यूल कास्ट का खाली बनेगा नहीं कभी, शेड्यूल कास्ट कभी प्रधानमंत्री हो सकता है, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर तक बन चुके हैं, चीफ जस्टिस बन चुके हैं, राष्ट्रपति बन चुके हैं,
लेकिन कहीं दलित एजेंडा पे कोई पॉलिसी फॉर्मुलेशन पे कोई बहस है क्या सर? दलित एक्टिविस्ट आदमी भी हैं आप? नहीं नहीं, मैं एक्टिविस्ट नहीं हूँ, लेकिन दलित एजेंडे पे कोई बात करना ही नहीं चाह रहा इस समय। दलित भी नहीं? कोई नहीं, हकीकत यही है। हम आप यहाँ बैठे हैं, बात कर रहे हैं, सब कुछ ठीक है, लेकिन कोई बात करना चाह ही नहीं रहा है। हर आदमी अपनी बचाने के चक्कर में, हर चीज़ अपने आप को बचाने के चक्कर में कोई बोलना तक नहीं चाह रहा है। अच्छा, जिसके पास नहीं है वो क्या बचाए? नहीं, वो नहीं है, वो उसमें राम मंदिर में घंटा बजा रहा है। अच्छा, वो घंटा बजा रहा है और भंडारा कर रहा है, भजन कर रहा है, कीर्तन कर रहा है, लेकिन जिसके पास है वो बोलना ही नहीं चाह रहा है, डर रहा है। इतना डर का माहौल इस समय देश में क्रिएट हो चुका है। बड़े बड़े जो आपके मिनिस्टर्स हैं, ब्यूरोक्रेट्स हैं, सभी डर रहे हैं। कोई कोई आदमी डर से अछूता नहीं है। जो बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट्स हैं, मुख्यमंत्री, सीएम, पीएम, सभी डर रहे हैं, कोई बचा नहीं है। हम लोग तो नहीं डर रहे। नहीं, हम लोग तो दूसरी रीढ़ की हड्डी के हैं। हमारे पास रीढ़ की हड्डी है, हम नहीं डरेंगे चाहे कुछ भी हो जाए। लेकिन माहौल इस समय इतना डर का क्रिएट हो गया, मीडिया हो, जुडिशरी हो, ब्यूरोक्रेसी हो, सारे लोग डरे पड़े हैं। जज भी डर रहा है। जज भी डर रहा है, वो सारे फैसले वो सरकार के पक्ष में ही दे रहा है। कोई भी सर, पहले लोगों को उम्मीद थी कि अगर हम सरकार से आहत होंगे तो हम न्यायालय जाएंगे, लेकिन न्यायालय से भी न्याय नहीं मिल रहा है। न्यायालय से न्याय नहीं मिल रहा, उसको ऐसा प्रेजेंटेशन किया जा रहा है कि आपको कुछ चाहिए नहीं है, और मूर्तियां जबरदस्ती रखी गई, लेकिन उसको ऐसा प्रेजेंटेशन किया जा रहा है कि जैसे लग रहा है कि वो राम मंदिर जो है पहले हजारों साल पहले था वहां पर। जनेऊ लीला इसी को कहते हैं, लेकिन लोगों को नहीं समझ में आता है। जनेऊ लीला शब्द के जनक कौन है? आप हैं, और कौन है? जनेऊ लीला शब्द आप ही ने बनाया है, लेकिन पूरी मीडिया में ये चल रहा है कि अगर हम राम को लाए हैं, उनको लाएंगे। अब राम को बोला है भाजपा वाले। बताइए हमको जरा, आपसे ये समझना है कि कन्हौजिया समुदाय जी पावर इलीट के साथ रहा है हर समय। हर समय वो चले गए? नहीं, रहा है, इसलिए भी कह रहा हूँ ना जी कि जैसे पूरा जो व्यवसाय था, जातिगत व्यवसाय, वॉशरमैन प्रेस, तो उस राजे महाराजे के सब कुछ जी, जी बिल्कुल बिल्कुल। और बहुत ज्यादा अनटचेबिलिटी का भी चक्कर नहीं था? नहीं, बहुत ज्यादा अनटचेबिलिटी, क्योंकि उनकी रूम तक एंट्री थी। हाँ, एंट्री थी, और रूम तक पहुंच जाते थे, चाहे अंग्रेज हो, चाहे मुगल हो, चाहे ये कोई हो, तो लेकिन उनके लिए थोड़ा सा उन्होंने छोड़ रखा था दायरा। हाँ, थोड़ा छोड़ा हुआ था, छोड़ा हुआ था। उसको बोलते हैं धर्म शास्त्रों में, हाँ, सत्य शूद्र असत्य शूद्र। जी, यू आर राइट, जिससे काम करवाना हो। हाँ, उसको हमने बिल्कुल ठीक है ठीक है, तुम तो सही हो, तुम तो बढ़िया हो, क्योंकि उससे काम कराना है। ये बताइए, जो अभी एससी एसटी का वर्गीकरण का मामला चल रहा है जी सर, और इसलिए कह रहा हूँ कन्हैया समुदाय भारत में कहीं ओबीसी में है? हाँ, सेवर यूपी, बिहार, दिल्ली में शेड्यूल कास्ट में, बाकी सब जगह ओबीसी में। हाँ, तो उस समाज में इसको लेकर क्या रिएक्शन दिख रहा है? कुछ आइडिया है? कोई आपसे बातचीत होती है लोगों? सर, बातचीत होती है, लेकिन जो मोस्ट प्रॉब्ली ज्यादातर 80% लोग हैं वो सब बीजेपी के साथ चले गए। आपके? हाँ, धोबी समाज के लोग? बिल्कुल बिल्कुल, लखनऊ में चले गए हैं। सो जो जिनके रीढ़ की हड्डी टेढ़ी हो गई वो सब चले गए हैं, लेकिन हम तो नहीं गए। हमने तो अपने यहाँ पश्चिम विधानसभा, हम दबंग, हमने पश्चिम विधानसभा में 2017 में बसपा के कैंडिडेट को लड़ाया, उसकी जमानत भिजवाई, पूरे लखनऊ में कोई बचा नहीं सकता था, और 2022 में मैंने उसको जितवाया। मेरा एक सिर्फ उद्देश्य है कि जो बीजेपी को हराएगा मैं उसको जिताऊंगा। क्या बात है, वाह वाह, वेरी गुड। मैं किसी को नहीं जीता, जो कांग्रेस का आएगा अगर वो हरा रहा बीजेपी को, मैं बीजेपी को हराना चाहता हूँ, आरएसएस को हराना चाहता हूँ। जो बीजेपी को हराएगा मैं उसको जिताऊंगा। मैं कोई पार्टी में नहीं हूँ, ना मैं कोई किसी पार्टी का वर्कर हूँ, लेकिन मेरा एक उद्देश्य है कि मैं बीजेपी को नष्ट करना चाहता हूँ। बीजेपी, आप मतलब लगता है कि बीजेपी दलित पिछड़ों सबका अधिकार खत्म कर रही है? बिल्कुल खत्म कर रही है, लोगों को नहीं समझ में आ रहा है। मुझे समझ में आता है तो मैं चाहता हूँ। तो अपने समुदाय के लोगों को भी जब जाते हैं, समुदाय के लोगों को मैं जागृत करता हूँ, जो लोग पढ़े लिखे हैं, रिएक्शन क्या होता है? रिएक्शन उसमें 50-50 का है। कुछ लोग मेरी बात समझते हैं और कुछ लोग नहीं समझते हैं। वो कहते हैं उसने मंदिर बना दिया, तो हमने कहा मंदिर में तुम कहाँ हो, ना तुम जूता चप्पल उठा रहे हो, ना तुम्हारी प्रसाद की दुकान है, ना तुम ट्रस्ट में हो, ना तुम उसमें कमेटी में हो, तुम क्या हो? तो बोलते हैं कि राम जी का प्राण प्रतिष्ठा हो गई है, ब्राह्मण। अरे तो राम, लेकिन राम जी का कपड़ा धोने के लिए तो कुछ चाहिए। हाँ, तो इसीलिए तो वो तो बोलते हैं कि नहीं भाई, मंदिर बनाया और कुछ भी कहो, मुस्लिम बहुत डरे हुए हैं। तो हमने कहा मुस्लिम के खिलाफ काम है कौन सा किया है? नहीं, नहीं, मुस्लिम के डरने से आपको क्या फायदा ही नहीं? हमने बोला मुस्लिम के खिलाफ काम है कौन सा किया है ये बता दो, अभी तक कोई काम नहीं किया। डरे हुए हैं, कुछ भी हैं, उनका सब काम हो रहा है। मुस्लिम के डरने से आपका क्या फायदा है? वो भी समाज को क्या फायदा हो रहा है? कोई फायदा नहीं।
आरक्षण तो धीरे धीरे अब उन्होंने सारे विभागों में आउटसोर्सिंग कर दिया है। जो पहले एक घर में एक आदमी ग्रुप डी में नौकरी पा जाता था उसका परिवार संबल हो जाता था, संपन्न हो जाता था, अब वो आउटसोर्सिंग से कर दिया। कनौजिया साहब, आर के कनौजिया साहब हैं, और आप अगली बार लखनऊ आऊंगा तो इनसे लंबी चर्चा। सर बिल्कुल, आप आपको मछली निकालना नहीं आता? हाँ, टूट जाएगी। आप यादव है ना? हाँ, आपको मछली खाना नहीं आता, मछली सब टूट जाएगी। मछली बहुत प्यार से, नजाकत से, अपने लिए निकाले, नफासत से, किसी के लिए भी ये निकाली उसमें, लेकिन उसको आराम से निकाला जाए तो टूट जाएगी नफासत से। मछली बहुत नफासती होती है। हमारे अंदर सीखने की कला बहुत है भाई साहब, आपने एक बार आइंदा से कभी ऐसा नहीं हो। मछली ऐसे ऐसे नहीं चला साहब, आप तो मछली के बिल्कुल फैन हैं, हमने आपको देखा है सब, ताजी मछली नाव पे बनाना, भून के खाना। चलिए आपसे बात करता हूँ। अहिरवार साहब हैं, अगली बार जब आऊँगा तो उनसे पूरी उनकी सक्सेस स्टोरी पे बड़ी कहानी बनाऊँगा। मैं इनके घर भी जाऊँगा, इनके ऑफिस भी जाऊँगा, इनका जो वर्क सेंटर है वहाँ भी जाऊँगा और उनसे लंबी बातचीत करूँगा। लेकिन आज नहीं, आज यहाँ पे एक्टिविस्ट लोग इकट्ठा ज़्यादा हैं, पहले एक्टिविस्ट लोगों से बात कर लूँ। बहुत साहब बगल में बैठे हुए महेंद्र यादव हैं, तो यादव जी से अंतिम में लेंगे टेक, वकील साहब भी हैं तो उनसे अंतिम मिलेंगे। जरा बॉस साहब हैं, जरा बॉस साहब से छोटी सी टिप्पणी ले लीजिए। चलिए बॉस साहब, आप बहुत भी हैं, बिल्डर भी हैं, कंस्ट्रक्शन भी करते हैं, जमीन रियल एस्टेट का काम भी करते हैं, बहुत माल इकट्ठा कर लिए हैं। और चमारों के पास ज़्यादा पैसा नहीं होना चाहिए, नहीं तो मनुस्मृति का उल्लंघन समझा जाता है। जी जी, समझे कि नहीं? जी जी। तो जो अभी चल रहा है देश में आरक्षण का वर्गीकरण, राजनीति उत्तर प्रदेश, वो क्या लग रहा है, क्या चलेगा, क्या होगा, कुछ आप बचे बचेगा कि नहीं? नहीं बचेगा नहीं। आपका चार मंजिला घर निशाने पे होगा अभी लोग? जी बताएं। एक्चुअली क्या है ना, उसके जिम्मेदार जो है ये दलित और पिछड़ों के नेता को ही मैं मान के चलता हूँ। ओके, कैसे? अभी आप देखिए चौधरी अजीत सिंह के जो लड़के हैं जयंत चौधरी साहब, इतना बड़ा आंदोलन चला महिला पहलवानों का, वो उन्हीं की बिरादरी की है। तमाम शोषण हुआ, यौन शोषण की बातें हुई और उसी बीजेपी में जा करके वो मिल गए। क्यों? मतलब जो बहन बेटियों की इज्जत के साथ सौदा करके उनके साथ, उनके दादाजी को भारत रत्न मिल गया भाई, और क्या चाहिए? अच्छा एक बात बताइए, भारत रत्न मिल गया लेकिन कितना आरक्षण मिला, कितना सम्मान मिला, बहन बेटियों की इज्जत सुरक्षित रही कि नहीं रही? पूरी लड़कियां बेटियां रोती रही, क्यों धरना प्रदर्शन करती रही, उनके परिवार की थी, उनके समाज की थी, क्यों? और बहुत बड़ा एक जिम्मेदारी थी कि आप उससे तो समझौता ना करिए कि जो बलात्कारियों के साथ रह रहा है, क्यों? जो गोल्ड मेडलिस्ट है वो गलत कह सकता है क्या? एक बात बताइए, उसको कोई पॉपुलैरिटी की कमी तो है नहीं, लेकिन निश्चित रूप से उसके साथ यौन शोषण हुआ होगा, तभी वो आकर के धरने पे बैठी होगी और रो रही होगी। लेकिन उसके बाद भी वो समाज जाकर के बीजेपी से मिल जाता है, तो जिम्मेदार बीजेपी नहीं है, बीजेपी हम लोग जिम्मेदार हैं। और जहाँ पे दलित की बात आप बता रहे हैं, मैं व्यक्तिगत रूप से बता रहा हूँ, मैं देखिए पॉलिटिशियन नहीं हूँ, मैं इंजीनियरिंग बैकग्राउंड का आदमी हूँ, मैं प्रैक्टिकल हम लोग आधा समय तक पढ़ाते थे, फिल्म कलाकार भी हैं। मैं बता रहा हूँ, इस समय निश्चित रूप से बहन जी दलित की नेता हैं, लेकिन 2019 में आप वीडियो निकाल के, हमारे पास रिकॉर्डिंग है कि 10 सीटें पाई थी अखिलेश यादव के साथ गठबंधन के बाद, 10 दिन के अंदर ही 400 करोड़ की संपत्ति जब्त हो गई थी। मैं वीडियो निकाल दिखा दूंगा, 400 करोड़ की संपत्ति जब्त हो गई थी। और इस बार भी जो बचा खुचा जो इंस्ट्रक्शन आया था, इसलिए बहन जी कह दिया हम अकेले लड़ेंगे संपत्ति बचाने के चक्कर में, और 3% से 13% इनका जो वोट है। खाता कम हूँ खिलाता ज्यादा हूँ, लेकिन यहाँ मैं ज्यादा खा रहा हूँ, मछली फ्राई पहले खा चुका हूँ। चलिए, इस समय यह है कि बहन पे चर्चा नहीं, खाते खाते चर्चा और देसी चिकन के साथ चर्चा। इस समय ये है कि बहन जी अकेले चुनाव लड़के 3 से 13% वोट अपने पास रख ले और बीजेपी जीत जाए, और बदले में उनकी संपत्ति 5 साल के लिए सुरक्षित हो जाए। ये पूरी की पूरी प्लानिंग है, आपको बता रहा हूँ, मैं अपना व्यक्तिगत एनालिसिस बता रहा हूँ। जी ऐसे में क्या है कि जब दलित नेता को ही दलित मुद्दे पे कोई लेना देना नहीं है, जिस समय चुनाव हो रहा है मनुवाद बनाम संविधान के बीच में, क्यों? इस समय या तो मनुवाद मनुस्मृति लागू होगी या संविधान चलेगा। ऐसे समय में बाबा साहब की आइडियोलॉजी पे चलने वाली पार्टी
जो इनडायरेक्ट रूप से उससे मिली हुई है और भाजपा को सत्ता में लाने के लिए अपनी संपत्ति बचाने के लिए काम कर रही है, ये देश का दुर्भाग्य है, दलित का दुर्भाग्य है, और दलित के साथ धोखा है, अम्बेडकर जी के साथ धोखा है, बहुजन समाज के साथ धोखा है। वाह, चिकन बहुत शानदार है और एकदम तेल मसाला नहीं, देख लीजिए, और कन्हैया साहब की टीम पूरी लगी हुई है बनाने में शाम पे, ठीक है ना सर? जरा फिश पीस दीजिए। अच्छा फिश दीजिए, दुसार साहब तो बहुत ही नॉनवेज प्रेमी, थोड़ा मुस्कुराइए भी, हर समय रोने गाने का जो है ना, 28 दिन खाने वाला नहीं नहीं, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, और हम 28 दिन हम बनाने वाले हैं जब हम घर में रहते हैं, हैं चलिए है? तो यादव जी मछली खाना आप आज सीख जाएंगे आप? हाँ मछली सबसे खाना अभी नहीं सीखेंगे, अभी निकालना चाहिए। मटन चिकन और फिश में सबसे ज़्यादा मुझे मछली पसंद है, मतलब अपना पर्सनल जबान के बता रहा। चलिए बहुत शानदार खाना खा रहे हैं, और दुसार साहब से डाइवर्सिटी मैन ऑफ इंडिया भी राहुल गांधी आ रहे हैं, इसको इसी में लगा दिया। तो चावल जिसको लेना चावल भी, देखिए ऐसा है, चाहे वर्मा साहब का घर हो चाहे मेरा घर जी, खाना कभी कम नहीं पड़ता, ये रिकॉर्ड है, बच जाता है वो पैकिंग भी कर देते हैं, ये भावना की बात है ना, खाना कभी कम नहीं पड़ता हम लोग क्या, कभी मेरे कुटिया पे पधारी है मेरे दिल्ली वाले कुटिया है, वहाँ लोग सोच सोच के खिलाते हैं, यहाँ कोई वैसा मामला नहीं। क्या दूसरा साहब जी, सर आप तो अभी राहुल जी से मिले भी थे, राहुल गांधी से? हाँ सर। तो आप राहुल गांधी से मिलने जा रहे हैं, बहन जी से लखनऊ में रहते हैं मिलने नहीं जाते हैं, और इतना आपने लिखा है बाम से बसपा और कांशीराम जी भी, मायावती खुद बहन जी पर मैंने लिखा है ना सर, लिखा कांशीराम वाद को साकार करती एक जिंदा देवी मायावती, 2006 में मैंने लिखा था, और बहन जी जो कहती हैं आप मिलने नहीं गए, इत्तेफाक से सर दो बार मुलाकात हुई उनसे, उनसे मिले हैं? मिले हूँ पर्सनली मिला हूँ। अच्छा चाय वो पिए कि नहीं? ना चाय वो नहीं, हाँ नहीं पिया था, पहली मुलाकात मैं आपको बतलाऊं कि 1993 में मेरी मुलाकात हुई कलकत्ता के ग्रेट ईस्टर्न होटल में उनसे। अच्छा उन दिनों में सीएम नहीं बनी थी ना, ना एमपी बनी थी ना, वो बन चुके थे सीएम, तो बन चुके नहीं 93 में, कहाँ सीएम बनी थी, हाँ नहीं बनी थी करेक्ट है आप कह रहे हैं। तो 1993 में मेरी मुलाकात हुई थी कलकत्ता ग्रेट ईस्टर्न होटल में, उन दिनों मैं डॉक्टर अंबेडकर पर टीवी सीरियल बनाने की कोशिश कर रहा था, और मंडी हाउस से अप्रूवल की जरूरत थी, तो उस सिलसिले में हमें कलकत्ता के लोगों ने जो उनसे मिलवाया, तो मिलने के बाद उन्होंने कहा कि चलो ये तो आपका प्रयास बहुत ही अच्छा है, हम अगर सत्ता में आएंगे तो देखेंगे, आप कोशिश करो अगली बार जो है हमसे वहाँ दिल्ली में मिलने के लिए, उसे मैं एमपी बनने। हाँ तो ये पहली मुलाकात थी, तो उसके बाद से मैं जो है बीएसपी कार्यालय में गया था सर, और ये आपका नॉर्थ एवेन्यू में शायद मैं गया था, तो वहाँ जाने पर जो बीएसपी के जो एक एक्टिविस्ट थे और बड़े पदाधिकारी, उन्होंने कहा कि देखिए दुसार जी, आप जो बाबा साहब पर सीरियल बनाने का प्रयास कर रहे हैं, हमारी पार्टी सत्ता में आएगी तो ऐसे बहुत से सीरियल बन जाएंगे। अच्छा तो मैं समझ गया कि क्या हो सकता है, उसके बाद कोई यूज नहीं है। उसके बाद से मेरी अगली मुलाकात जो होती है वो हुमायूं क्या नाम है उनका जो बंगला है वहाँ पर मुलाकात हुई थी, वहाँ पर कई पत्रकार आए थे और दलितों की तरफ से मैं अकेला पत्रकार था, तो सर मुझे जेहन में एक बड़ी अजीब एक स्मृति है उसमें लेकर के, जो ढेरों जो मेन स्ट्रीम के पत्रकार थे मैं देखा कि अजीब उनके प्रति मन के में जो उपेक्षा है, बहन जी के प्रति कोई केयर ही नहीं कर रहा था। अच्छा हाँ पत्रकार सम्मेलन में कोई केयर ही नहीं कर रहा था, बहन जी वो केयर नहीं कर रहा, बिल्कुल नहीं केयर कर रहा था, और उनके लोग आपको केयर नहीं कर रहे थे ना, हमें भी नहीं केयर। तो ऐसी अवस्था में जो है मुझे एक मौका मिला, मैंने बहन जी को एक सवाल याद दिलाया कि बहन जी ये बतलाइए कि भाजपा अगर कहती है कि जय श्री राम तो मुलायम सिंह यादव कह रहे हैं कि जय श्री कृष्ण तो क्या फर्क पड़ता है, कि हाँ उनको मौका मिला और उन्होंने अपनी बात कही, तो दो मुलाकातें तो मेरी हुई, लेकिन मैं असल बतलाऊं कि जो है बाद में चल करके मैंने 2006 में उन पर एक किताब लिखी, कांशीराम वाद को साकार करती एक जिंदा देवी मायावती, आप कई उनका बयान सुने हैं, वो कहते हैं कि दलित समाज के लोग मुझको देवी मानते हैं, तो देवी अगर मानते हैं तो उसमें अपनी किताब की एक बड़ी भूमिका रही सर। अच्छा
2006 में जो किताब आई भारी संख्या में बिकी, मुझे लगता है कम से कम 10,000 कॉपी तो उसकी बिकी होगी। जो भी मैंने बचपा का पैसा कमा तो लिया, पैसा तो कमा लिया आप किताब से? बिल्कुल नहीं, मेरे एक पैसा दे मैं सर किसी को जो दिया था प्रकाशन करने के लिए, वो व्यक्ति जो आप जानते हैं कि जो प्रोफेसर जो पब्लिशर्स हैं उनमें प्रोफेशनल ऑनेस्टी नहीं है, तो मुझे उस किताब के लिए एक पैसा भी रॉयल्टी नहीं मिली। लेकिन मुझे संतोष इस बात का है कि बहन जी की इमेज जो है काफ़ी आगे बढ़ी, और अक्सर वो कहते हैं कि हमारे समाज के लोग हमें देवी मानते हैं, तो उसमें उस किताब की एक बड़ी भूमिका है। तो इस तरीके से जो है वो मेरी बहन जी से दो मुलाकातें हुई। लेकिन आपको बतला दूं सर कि मैं रेलेवेंट हो गए वो ज़्यादा नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, मुझे उससे निराशा नहीं हुई सर। मुझे निराशा होती है 2007 में, बहुतों का आश्चर्य हो सकता है कि 2007 में बहन जी जब फुल मेजोरिटी के साथ यूपी की सत्ता पर कायम होती हैं और उसके पीछे जो एक तर्क देती हैं कि ये सोशल इंजीनियरिंग का कमाल है, ये मुझे बहुत शॉक किया। सोशल इंजीनियरिंग मतलब क्या? सर्व समाज। अच्छा हाँ, उन्होंने कहा कि सोशल इंजीनियरिंग का कमाल है ऐसा जो उनकी सफलता के पीछे जब आपको सत्ता का मजा लेना था उस समय तो आप क्रिटिक कर दिए मैं तो नमस्ते करना था जाके पहले। तो सर ये जानना आपके लिए काफी रोचक हुआ, जब 2007 में बहन जी की तरफ से संदेश गया कि जो यूपी में हमारी जो मेजोरिटी आई है उसमें जो सर्व समाज का योगदान है, इसमें सोशल इंजीनियरिंग का कमाल है, तो बैकवर्ड का नहीं है, सर्व समाज का, तो मुझे बड़ा शौक लगा। तो मैंने 450 पेज की एक किताब निकाली, उत्तर प्रदेश में बसपा की सफलता, सोशल इंजीनियरिंग का कमाल या कुछ और। अच्छा। तो उसके जरिए मैंने बतलाने की कोशिश किया कि बहन जी को जो भी सफलता मिली है, बीएसपी को जो भी सफलता मिली, उसमें कांसीराम के आंदोलनों का रिजल्ट है। अच्छा। कांसीराम ने जो आंदोलन की एक जमीन तैयार की थी उसी पर ये फसल उगी है, जहां बहन जी को जो है आपको फुल मेजोरिटी के साथ जो है सत्ता में आने का मौका मिला, ये बात मैंने लिखा। उसके बाद से जो है बसपा से धीरे धीरे मेरी दूरी हो जाती है, और दूरी होने के बावजूद भी मैं उनके पक्ष में लिखता रहा। लेकिन बाद में चल करके जिस तरीके से उन्होंने जो है उदासीनता बरती ये भाजपा को लेकर के, फिर मेरे मन से जो है वो उतरती गई, और आज की तारीख में तो जो कांग्रेस के दलाल हो गए बस भाई लोग, तो यही बोलेंगे। हाँ ये कह सकते हैं है? सच आपको बताऊं सर कि जो है आज की जो तारीख है जो ये 2024 के इलेक्शन को लेकर के जो है पूरे देश में जो चर्चा, हम लोग भी यहाँ चर्चा कर रहे थे, उसमें सर जो है ये समाज को जो है दलित समाज को शायद इस बात का इल्म नहीं है कि 2024 में अगर भाजपा सत्ता में आती है हाँ, तो बाबा साहब का संविधान जो है खारिज हो जाएगा, उसके जगह मनु का लॉ लागू हो जाएगा। तो रामराज की घोषणा हो गई, तो इसमें आप नया क्या कर रहे हैं? तो हो गया घोषणा ना? हाँ तो हो, ये होने बिल्कुल भी साफ दिखाई पड़ रहा है कि 2024 स्वागत भी कर दिया, बहुत सारे दलित पिछड़े लोग स्वागत भी कर, यही तो बहुत दुख की बात है सर, ये तो बहुत दुख की बात है। तो अगर ये काफी संभावना है, इसे खुद जो है नरेंद्र मोदी की तरफ से दावा किया जा रहा है कि हम जो है 270 से लेकर के 400 सीटें जीतने जा रहे हैं, और पूरे देश में एक ऐसा माहौल बनाया जा रहा है जैसे भाजपा सत्ता में आ गई और अपना जो आगे का एजेंडा मोदी लागू करने जा रहे हैं। उन्होंने कहा भी है कि 15-20 दिनों में जो है हम अपना 2024 राहुल गांधी से आप मिल रहे हैं लखनऊ में? हाँ मिलना है। तो क्या कहेंगे राहुल गांधी? राहुल गांधी को हम यही कहेंगे कि आप जो मुद्दा उठा रहे हैं प्लीज उससे पीछे ना उठे, मैं पीछे न जाए। अगर मुद्दा सही उठाते रहे तो आप काम करेंगे उनके लिए? बिल्कुल काम करेंगे, इंडिपेंडेंट तरीके से। बिल्कुल सर, मैं आपको बतलाऊं, मैं आपके चैनल के माध्यम से दलित समाज को संदेश देना चाहता हूँ कि दलितों की जो सबसे बड़ी समस्या रही है वो रही है शक्ति के स्रोतों से बहिष्कार, सोर्सेज ऑफ पावर, आर्थिक राजनीतिक शैक्षिक से बहिष्कार इनकी सबसे बड़ी समस्या रही है। और 2024 में भाजपा यदि सत्ता में आती है तो आप शक्ति के समस्त स्रोतों से जो है बिल्कुल हमेशा के लिए एक्सक्लूड हो जाएंगे, जो बाबा साहब ने आपको इंक्लूड कराया था। भारी एक राहत की बात है सर कि ऐसे दौर में जो है राहुल गांधी जो संदेश दे रहे हैं उसमें ही जो है दलितों को जो तमाम वंचित है, जन्मजात वो जो हिंदू धर्म शास्त्रों द्वारा एक्सक्लूड किए गए उनको तमाम क्षेत्रों में भागीदारी। चलिए अच्छा है, और 29 को अगर आप रहेंगे, मैं लखनऊ में रहा और संयोग से, संयोग की बात है, जरूर सर 19-20 को ना? हाँ हाँ 19-21 को शायद आ रहे हैं, चर्चा हम करेंगे। बिल्कुल सर, चलिए बहुत शानदार खाना खाया, और चलते चलते टू यादव एडवोकेट,
आरवी यादव और महेंद्र मंडल, महेंद्र यादव। महेंद्र जी को मेरे साथ आप देखते होंगे अक्सर, इनके पीछे पीछे हम लोग रहते हैं कि यादव जी मोर्चा संभालें। और इधर आरवी यादव हैं। संक्षेप में चलते चलते अब फ्लाइट का टाइम हो रहा है, तो यादव साहब आप लखनऊ हाईकोर्ट में प्रैक्टिस करते हैं? यस, मैं लखनऊ हाईकोर्ट में प्रैक्टिस करता हूं। बता रही है कि देश में क्या चल रहा है, यादव लोग क्या करेगा? सुने कि लखनऊ में बहुत सारे व्यवसायी यादव सब बीजेपी की ओर भाग रहे हैं। देखिए दो है, एक दक्षिणपंथी होता है, एक वामपंथी होता है। दक्षिणपंथी मतलब जो दिमाग से, वामपंथी मतलब जो दिल से। तो वर्ड में यही दो फिलासफी हैं, वर्ड में एक दक्षिणपंथी एक वामपंथी। तो वर्ड जो वही हाल लखनऊ का है, जो वामपंथी है दिल का है, वो हमेशा से जो है भाजपा का आरएसएस का विरोध करता है, और जो दक्षिणपंथी सोच का है, दिमाग का सोच का है, वो तो जो भी सत्ता मिलेगी उसके पक्ष में रहता है। तो ये क्या चल रहा है लखनऊ में, क्या होगा लखनऊ में? यादव गठबंधन क्या सपा बसपा कांग्रेस अलायंस होगा? चौधरी तो चले गए, जयंत चौधरी उधर। देखिए अगर ऐसा हो जाता है, सबको मतलब जब लड़ाई बड़ी होती है, लड़ाई बड़ी से मतलब जब लड़ाई संविधान की है, लड़ाई राहुल शकुंतला यानी केदारनाथ पांडे से लेकर अंबेडकर तक की है, तो छोटी लड़ाइयों को भूल जाना चाहिए और इन दोनों लोगों को भूल जाना चाहिए और इन सबको एक साथ आना चाहिए कि हमारे संविधान को संकट है, संविधान को संकट है, मनुस्मृति लागू होने वाली है। ये है तो ये पिछड़ा समाज मनुस्मृति को रोकने के लिए कमर कसे है कि घंटा बजाने जाएगा? देखिए पिछड़ा समाज अभी दिमागी रूप से बहुत उसमें है, मतलब ब्राह्मणवादी संस्कृति में इन्वॉल्व है, कैसे कहते हैं, ब्राह्मणवादी से आकर्षित है। आप लोग अपने घर समाज में समझाते हैं कि नहीं समझाते हैं? मैं तो समझाता ही नहीं हूँ, मैं तो उसको साक्षात उतार रहा हूँ अपने घर में। मैं यादव साक्षात उतार रहे हैं। हाँ। और महेंद्र मंडल का एक लास्ट चेक लेते हैं और उनसे बात करते हैं, फिर मैं इधर से मूव करूँगा एयरपोर्ट। महेंद्र मंडल एडवोकेट हैं ये भी और लखनऊ में रहते हैं, कई सामाजिक कार्यक्रमों में शिरकत करते हैं, नज़र आते हैं। जरा इनसे पूछ रहे हैं कि लखनऊ में काबा, यूपी में काबा। हाँ जी मंडल साहब। अब सर लखनऊ में वही बा जो देश में बा, कि जो लखनऊ में है वही देश में है। देश मतलब साउथ इंडिया नहीं है, हम समझ रहे हैं। इधर महाराष्ट्र के इधर वाला देश बताइए, हिंदी पट्टी वाले। देखिए सर हमेशा हम यही कहते हैं कि प्राचीन हो कि नवीन, छोड़ो रूढ़ियाँ जो हैं बुरी, बनकर विवेकी तुम दिखाओ हंस जैसी चातुरी। और प्राचीन बातें ही भली हैं, यह विचार अलीक है, जैसी व्यवस्था है जहाँ वैसी, जैसी अवस्था है जहाँ वैसी व्यवस्था ठीक है। आप कहते हैं हमेशा कि इस समय हम दलितों की कुटाई कर रहे हैं। हम कुटाई नहीं कर रहे हैं, ठीक कर रहे हैं, समझा रहे हैं, ज्ञान दे रहे हैं, जो भी एक्स वाई जेड। मैं सिर्फ इतना कहना चाह रहा हूँ, जब तक ये समाज जातियों पंथों और धर्मों के नाम पर बटा रहेगा, बीजेपी और आरएसएस ऐसे ही राज करते रहेंगे। उनका ये सैकड़ों साल का विजन है, इसमें कोई एक दो दिन की उनकी मेहनत नहीं है। आपका सर सवाल आए, मैं उसका जवाब दूंगा। तो सवाल कुछ नहीं, क्या होगा यूपी में, क्या होगा यूपी में? सर राम राज्य है इस समय। हाँ। और सुना है कि यादव लोग भी कुछ बीजेपी में जा रहा है, निरहुआ कौन कौन, नहीं ठीक है, बिजनेस कर रहा है। मैं एकदम इसमें कोई दो राय नहीं, बिना लाग लपेट के कहता हूँ, यादव समाज वो धार्मिक रूप से ग्रामीण पृष्ठभूमि का, और कह लें तो जो अशिक्षित है, जो गांव में रहता है, खेती किसानी करता है और तमाम चीज़ों से अनभिज्ञ है, क्या देश में क्या चल रहा है, उन सबको दरकिनार करते हुए वो राजनीतिक रूप से बहुत सचेत है, उसकी चेतना राजनीतिक रूप से बहुत उर्वर है। वो ठीक है, वो जाएगा बीजेपी आरएसएस को सपोर्ट करेगा, लेकिन उसकी परसेंटेज जो संख्या होगी वो 5-10-15-20% हो सकती है। लेकिन जो लोग राजनीतिक वैज्ञानिक सामाजिक रूप से बहुत ज़्यादा उन्नत हैं ओबीसी में, उनकी 90-80% संख्या भाजपा में है, उनको चिंतन करना चाहिए, मंथन करना चाहिए। और हम जातियों की बात नहीं कर रहे हैं, अभी हमारे नीतीश चाचा चले गए, उसमें मैं तमाम अपने नीतीश चाचा के भाई बंधुओं से मैंने बहस की जो आईएएस लॉबी के थे, और उन सबों ने मुझे ब्लॉक कर दिया
फेस व्हाट्सएप पे। तो ये कहने का मतलब ये है कि आप केवल उन, ठीक है यादव जा रहा है, लेकिन उसकी संख्या मैंने कहा ना 20% मैक्सिमम होगी। वो अशिक्षित है, अनपढ़ है, गांव में खेती कर रहा है, दूध भैंस लगा रहा है, लेकिन वो राजनीतिक रूप से बहुत चिंतित है, सचेत है, वो धार्मिक रूप से धर्मांध है। ओबीसी की सबसे धर्मांध जात कुर्मी के बाद यादव है। चलिए तो ये महेंद्र यादव थे बहुत साहब। चलते चलते कोई टिप्पणी करिए और आपको घर जाना है कि मुझे एयरपोर्ट छोड़ेंगे? हरवड़ी तो नहीं है? नहीं नहीं आदेश करेंगे। तो चलिए बहुत साहब हौसला बनाए रखिए, देर है अंधेर नहीं है। अगर राम राज आएगा तो संबुक भी आएगा। इस बार संबुक जो है सेटेलाइट कैमरा लगा के आएगा। इस बार द्रोणाचार्य अंगूठा मांगेगा तो एकलव्य अंगूठा देगा नहीं, द्रोणाचार्य का सिर मांग लेगा, है ना? ये तैयारी। चलिए शुक्रिया, बहुत शानदार खाना खाया और मैं एक एक मिनट का इस्तेमाल करता हूँ, एक एक मिनट का। तो अब एकदम फ्लाइट का टाइम हो रहा है, हम लोग निकलते हैं, फिर जल्दी मिलेंगे आपसे। और लखनऊ में जब भी रहूँगा तो सारे मंडली से आपको मिलवाऊँगा। शानदार शख्सियत राजकुमार कनौजिया साहब से आपको मिलवाया और यादव साहब से मिलवाया। अगली बार आएंगे तो कनौजिया साहब से विस्तार से, बबलू साहब से तो अलग स्टोरी करेंगे ना। कनौजिया साहब से मिलवाया और इनका बोलना बेहद ज़रूरी है क्योंकि इनका समुदाय तीन राज्यों को छोड़ के बाकी जगह ओबीसी में जी। तो उस समुदाय का जो द्वंद है और क्या लोग सोचता है ये समझना एक सोशल साइंटिस्ट होने के नाते मेरी जिम्मेदारी है, बिल्कुल है ना। तो इसलिए मैं कनौजिया साहब से विस्तार से अगले बार जब लखनऊ आऊँगा तब बात करूँगा और बबलू साहब के साथ इनके सक्सेस स्टोरी पर चर्चा होगी और पूरा स्पॉट सब दिखाऊँगा कहाँ कहाँ काम करते हैं कैसे करते हैं। शुक्रिया शुक्रिया, गुड नाइट।